गाइज अभी रात के बज रहे हैं लगभग 11 और मैंने बहुत कम आज से पहले रात को 11 बजे कोई वीडियो बनाई है। रीजन, जवान के ट्रेलर की अपडेट। भाई साहब अभी जस्ट आपका भाई सोने लगा था, मतलब जस्ट सोने के लिए, जब सोने से पहले वो एक दफा लास्ट टाइम फोन चेक किया जाता है ना कि किसी का मैसेज वगैरह तो नहीं आया, तो बस वही चेक कर रहा था कि अचानक से गाइज मैंने एक पोस्ट देखी और पोस्ट देके मैं आया ट्विटर पे, और ट्विटर पे तो भाई साहब जो हल्ला गुल्ला मचा हुआ, जो आग लगी हुई देख के मैं एक बार हिल गया। अब क्या, सबसे पहले पोस्ट बहुत से लोगों ने देख ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी उन्हें बताता चलूं, करण जौहर ने गाइस जवान का ट्रेलर देखा है, करण जौहर ने, और देखने के बाद उन्होंने जो बोला भाई साहब लिटरली हिला देने वाला है। अब उन्होंने क्या बोला वो बताने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई साहब। तो गाइस करण जौहर लिखते हैं, आई सॉ द ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी, आई सॉ द ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी। भाई साहब आगे आप लोग खुद समझदार हो कि भाई पूरी सेंचुरी में ऐसा ट्रेलर नहीं बना, मतलब क्या बहुत से टीजर ट्रेलर आए हैं गाइस, मतलब KGF 2 ट्रेलर, RRR, पुष्पा, कोई भी नहीं भाई साहब, ऐसा द ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी, पठान का टीजर ट्रेलर भी कुछ नहीं। तो खुद सोच लें कि जवान के मेकर्स ने क्या बनाया है, मतलब गाइज अनबिलीवेबल। अब गाइज यहीं तक सीन रहता तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो न्यूज आई उसकी वजह से मुझे अभी वीडियो बनानी पड़ी, और वो न्यूज ये है कि कल यानी कि अभी कुछ ही घंटों बाद 28th of August स्टार्ट हो जाएगा, मंडे स्टार्ट हो जाएगा, तो कल मंडे पे हमें गाना नहीं बल्कि ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। अब इस पे कितनी सच्चाई है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, ना ही मैंने सर्च किया ना ही कुछ, लेकिन ट्विटर के ऊपर जितने भी शाहरुख खान के ऑफिशियल पेज है, जितने भी फैंस हैं, सबने गाइस ये नोट किया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि भाई जवान ट्रेलर टुमारो, क्योंकि कल एक तो बात है कि कल मंडे है, मतलब कुछ ना कुछ आना है, और अगर कल गाना आना होता तो आज मेकर्स गाने का रिलीज टाइम अनाउंस कर सकते थे, लेकिन मेकर्स ने आज गाने का रिलीज टाइम अनाउंस नहीं किया, मतलब कि रमैया वस्तावैया गाने की आज कुछ ना कुछ मेकर्स की तरफ से न्यूज आती कि कल होगा, परसों होगा, इस टाइम होगा, लेकिन नहीं। तो गाइस दैट वाइज सब कह रहे हैं कि भाई कल जवान का ट्रेलर आने वाला है। अब फिर बोल रहा हूं मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं थी, क्योंकि इस टाइम ऐसा टाइम था कि मैं अपने सोर से भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो भी कहेगा कि भाई सोने का टाइम है, तू जवान के ट्रेलर के पीछे पड़ा है, जा सो जा। तो बस जो भी मैंने देखा है वो मैंने आपको बता दिया है। तो भाई अगर कल जवान का ट्रेलर आ जाता है तो मैं कहूंगा इससे बड़ा सरप्राइज कोई भी नहीं है। रीजन, हम वेट कर रहे हैं गाने का, सरप्राइज आ जाएगा ट्रेलर का, और गाइस ट्रेलर अगर अचानक आ गया ना तो भाई हल्ला गुल्ला मच जाएगा पूरे के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। मुझे भी बड़ा वेट है कल का, क्योंकि अभी सुबह उठकर सबसे पहले तो पता लगाना है कि भाई क्या एक्चुअली में क्या चल क्या रहा है, ये जो करण जौहर ने देखा है तो ये क्या देख लिया है उन्होंने, मतलब हमने भी भाई साहब देखना है। देखिए ना गाइस, हम फैंस को ना मेकर से ज्यादा चीजें पसंद आती है, मेकर्स एक एक चीज गलती नोट करते हैं, तो अगर करण जौहर ये बोल रहे हैं ना कि आई सॉ द ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी, तो खुद सोच ले कि हमें वो ट्रेलर कैसा लगने वाला है। भाई फाड़ू लेवल होगा, मतलब लिख करके ले रहे बहुत से लोग, बहुत से मजे। तो क्या लगता है कल ट्रेलर आएगा या नहीं, और अगर कल ट्रेलर आ जाता है तो आप उसके लिए कितने एक्साइटेड है? भाई मैं बहुत ज्यादा, मतलब अभी सोते सोते आंखें बंद हो रही थी जब देखा कि कल ट्रेलर पोस्ट देखी, आंखें ऐसे खुली, मैंने कहा कल ट्रेलर, भाई साहब ये कब हो गया? तो मजा आने वाला है, लेकिन फिर कहूंगा कि भाई अभी ऑफिशियल नहीं है ये, जस्ट सब फैंस ने लगाया हुआ है, लेकिन अगर फैंस ने लगाया हुआ है तो दाल में कुछ तो काला है। तो होप फॉर द बेस्ट, अभी तक के लिए इतना ही, होप सबको वीडियो पसंद नहीं, चलो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, रख दिया आने वाली वीडियो में रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।